आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम कंस्ट्रक्टर को पढ़ रहे हैं। ये मजीद एक प्रोग्राम है, थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम है। कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट को मजीद क्लियर करेगा आपको। इसको शुरू करते हैं जी। इंक्लूड आइंस्टीन डॉट टच, कोनिया डॉट टच, दो हेडल फाइल, क्लास लाइन। क्लास का नाम क्या है जी? लाइन, एल कैपिटल है। हाँ जी, पब्लिक, पहले पब्लिक दिखता है, बाद में प्राइवेट है। पब्लिक में हमने एक दो तीन तीन मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किए। पहले मेंबर फंक्शन का नाम सेट लेंथ है, दूसरे का नाम गेट लेंथ है, और तीसरे का नाम लाइन है। सेम जो कि ये, इसका मतलब ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर डिक्लोरेशन, ये फंक्शन डिक्लोरेशन है, और ये स्पेशल मेंबर फंक्शन जो होता है कंस्ट्रक्टर उसको डिक्लेयर किया। इसका नाम सेट लेंथ, इसका नाम गेट लेंथ, इसके रिटर्न डेटा है वॉइड, इसके रिटर्न डेटा है डबल, इसका एक पैरामीटर है डबल डेटा, इसके कोई पैरामीटर नहीं। प्राइवेट में आ गया जी डबल लेंथ, तो ये हमारे पास एक प्राइवेट में डेटा मेंबर आ गया, डेटा टाइप इसकी आ गई डबल। कर्ली ब्रेसेस इसके बाद सेमी कॉलन, इसका मतलब क्लास यहाँ एंड हो रही है। ये हमारे पास एक फंक्शन डेफिनेशन है। हाँ जी, हम लोगों ने यहां पर फंक्शन को जस्ट डिक्लेयर किया, इसका मतलब है कि डेफिनेशन कहाँ होगी? क्लास के बाहर होगी। जब क्लास के बाहर होगी तो इसकी रिटर्न डेटा, इस जो होता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम यूज करते हैं, तब बताते हैं कि ये किस फंक्शन से बिलोंग करता है। ये लाइन कॉलन, कॉलन ये लाइन जो है क्लास का नेम है, डबल कॉलन जो है ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। इससे पहले कोई रिटर्न डेटा नहीं लिखी हुई, क्यों नहीं लिखी हुई? क्योंकि लाइन ये एक कंस्ट्रक्टर है। तो ये कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है, सी आउट ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, ये एक मैसेज आ जाएगा। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी तो ये मैसेज आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये फंक्शन डेफिनेशन, कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन। उसके बाद एक फंक्शन हमने ये डिफाइन किया है और एक फंक्शन हमने ये डिफाइन किया है। ये दो फंक्शन वर्ड हमने डिफाइन किए हैं। फंक्शन का नाम सेट लेंथ है, रिटर्न डेटा वॉइड है, लाइन क्या है, क्लास का नेम है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एक पैरामीटर, डबल रिटर्न डेटा है, क्लास का नाम लाइन है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट लेंथ फंक्शन का नाम है, ये उसकी बॉडी आ रही। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? मेन फंक्शन के ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? मेन फंक्शन, ठीक है। लाइन ए, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई है, नाम क्या? क्लास का लाइन। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी ये जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। और क्या लिखा हो जाएगा? सी आउट ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, एंड ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो। ए डॉट सेट लेंथ, ये कह रहे जी फंक्शन कॉल, क्या नाम है फंक्शन का? सेट लेंथ। सेट लेंथ वाले फंक्शन पे कंट्रोल चला गया। ये है 6.0 किसको मिल गया? एलईएल को। एलईएल की वैल्यू किसको मिल गई? लेंथ को। तो लेंथ की वैल्यू क्या होगी? ए डॉट लेंथ की वैल्यू कितनी होगी? 6.0 होगी। उसके बाद सी आउट, लेंथ ऑफ लाइन इक्वल टू, एज इट इज लिखा जाएगा, लेंथ ऑफ लाइन इक्वल टू ए डॉट गेट लेंथ। ये भी क्या है? फंक्शन कॉल। कंट्रोल कहाँ आ गया? यहां आ गया। रिटर्न लेंथ, लेंथ रिटर्न होनी कितनी है? 6.3। गेट प्रोग्राम। तो आपने देखा कि इस प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर को कहाँ डिफाइन किया गया है? क्लास के बाहर। सिंपल बात है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ आपने ना वाइड लिखना है ना, क्योंकि इसकी रिटर्न डेटा होती नहीं कंस्ट्रक्टर की। यहाँ तो आप लोगों ने जैसे लिखा है ना वाइड लिखा है, यहाँ वाइड नहीं लिखना, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न डेटा नहीं होती, ये डिफरेंस है बस, बाकी बिल्कुल उसी तरीके से था। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।